I am IPS Yadav from India AJTAK. Welcome to Swami Vitthal ji. Today we are with Vitthal ji at his residence in Ghatkopar. जल्दी ही उनका एक बड़ा शिविर होने वाला है, तो उसके बारे में हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका इंडिया AJTAK पर। ये जो आपका शिविर हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कई महीनों में अलग है, जरा इसके बारे में बताइए। गुरु पूर्णिमा का महत्व भारतीय परंपरा में बेजोड़ है, और ये 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो युग सर्जक संबुद्ध सदगुरु ओशो के सानिध्य में, परोक्ष सानिध्य में स्वामी चैतन्य कीर्ति जो कि ओशोधाम दिल्ली से पधारेंगे, और कई सालों तक ऊना कम्यून की ओर से ओशो टाइम्स निकलता था, जिसका संपादन स्वामी चैतन्य कीर्ति ने किया है, और अभी दिल्ली में ओशोधाम से ओशो वर्ल्ड पत्रिका निकलती है, जिसके संपादक भी स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में ओशो के संदेश को उजागर किया है। तो हम सबका सौभाग्य है कि इस बार उनके सानिध्य में हम 5 दिन का ध्यान शिविर मनाएंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, और इस शिविर के हेतु यह है कि ओशो के बारे में जो जनमानस में क्रांतियाँ फैली हुई हैं, इसको हम दूर करें और ओशो की महानता, विराटता और उनकी दिव्यता, उनकी भगवत्ता का संस्पर्श जनमानस को हो, इसके लिए मेरा ये अदना सा प्रयोग है। अच्छा, ये स्वामी चैतन्य कीर्ति जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, आज उनका नाम बड़े स्वामियों में होता है, बड़ी उनकी संस्था है ओशोधाम दिल्ली, और देश विदेश में तमाम जगहों पर उनका नेटवर्क फैला हुआ है, तो ऐसे में इतने महत्वपूर्ण अवसर पर गुरु पूर्णिमा जो कि वर्ष में एक बार ही होती है, आपने उनको किस तरह से मुंबई आने के लिए तैयार किया? उनको मैंने 12 महीने पहले बुक करके लिया था, पिछले गुरु पूर्णिमा को ही मैंने कह दिया था कि अगली गुरु पूर्णिमा आप मेरे लिए रख दीजिए, और उन्होंने मेरा आयोजन देखा है। इसके पहले भी मैंने उनकी 2 शिविरें लगाई हैं, एक लगाई थी पनवेल में ऋषि गार्डन रिसोर्ट में, और दूसरी लोनावाला में ट्रेजर आइलैंड रिसोर्ट में, तो उन्हें पता है कि मेरा जो आयोजन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जिसमें लोगों को ध्यान की गहराइयाँ मिलती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी, और उनका भी बड़प्पन है, और वो मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, करीब 40 साल से हमारी मित्रता है, इसलिए वो मेरी बात टालते भी नहीं हैं, और मैं पूरी टोटालिटी से, समग्रता से आयोजन करता हूँ, और इसमें अगर थोड़ी सी पीड़ा भी पार्टिसिपेंट को पड़ती हो तो उससे 10 गुना ज़्यादा पीड़ा मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, तो हर आयोजन जो है, हर शिविर मेरे लिए एक यज्ञ कर्म है, और दूसरा जैसे वो मेरे लिए मेरा संतान है, वैसे व्यक्तिगत मेरा कोई संतान नहीं है, क्योंकि आई एम बैचलर, आई एम अनमैरिड, तो मैं जो भी आयोजन करता हूँ वो मेरे बालक की तरह है, तो बालक को थोड़ी सी भी खरोच होती है तो माँ को बहुत पीड़ा होती है, उसी तरह शिविर के आयोजन में भी आने वाले मित्र को जरा सी भी असुविधा होती है तो उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा मुझे होती है कि वो मेरे यहाँ आके दुखी हुआ है। चलिए, हम ये आपके जो बैचलर होने का राज है इस पर तो बात आगे करेंगे ही, फिलहाल उस शिविर से ही संबंधित एक और सवाल दिमाग में आ रहा है कि जो शिविर होने जा रहा है इसमें ये कितने दिन का है और क्या क्या इसमें होने वाला है? ध्यान शिविर का जो फ्रेम है वो ओशो स्वयं करके गए हैं। अच्छा, तो ये 5 दिन का शिविर है जो 19 जुलाई को शाम 5 बजे शुरू होगा, 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पूरा दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, और 23 तारीख को 2 बजे तक शिविर चलेगा। ये शिविर में स्थल प्रश्नोत्तरी सत्र होता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जिसमें साधक अपने व्यक्तिगत साधनागत प्रश्नों का समाधान, मार्गदर्शन स्वामी जी से पा सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ कीर्तन होता है, इसके उपरांत बड़े पर्दे पर हम ओशो की वीडियो फिल्म दिखाते हैं, ओशो का ऑडियो प्रवचन होता है, शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक संध्या सत्संग होता है, इसके उपरांत सुबह में ओशो द्वारा जो खोजा गया सक्रिय ध्यान है, जिसको डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं, और जो मनुष्य जाति को दिया गया एक पारसमणि है, उसका प्रयोग होता है, तो इस तरह से बहुत ही मल्टी डायमेंशनल शिविर होती है, और इसमें कोई भी कार्यक्रम कंपलसरी नहीं होता। यह शिविर की एक विशेषता यह है कि एवरीथिंग इज ऑप्शनल फॉर यू, इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग यू आर द लूजर। तो और संस्थाओं में, शिविरों में
जैसे शरीर को सताना, पीड़ा देना, तकलीफ देना होता है, ये बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से होती है। और इसमें दीक्षा भी होगी, माला दीक्षा? बिल्कुल होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन ही 22 जुलाई को शाम 6:30 से 8:30 जो नए मित्र ओशो को अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनको ओशो के ही द्वारा संन्यास में दीक्षित किया जाएगा। सिर्फ ओशो जो वैश्विक चेतना है, वो स्वामी चैतन्य कीर्ति के शरीर का एक माध्यम की तरह, एक व्हीकल की तरह उपयोग करेगी। तो देने वाले स्वामी चैतन्य कीर्ति नहीं है, संन्यास देने वाले वो नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम है, मीडियम है, व्हीकल है, निमित्त है। स्वयं ओशो ही उनको दीक्षित करते हैं। स्वामी विट्ठल जी, हम थोड़ा आपकी स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण चाहेंगे कि आप क्योंकि मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप पूना ओशो से क्यों जुड़े हुए हैं, ओशो के ओशो से आपका सान्निध्य काफ़ी वर्षों से रहा है, ओशो चैतन्य कीर्ति से भी रहा है, ओशो धारा वाले भी आपके मित्र हैं और उनके साथ भी आप रहे हैं। तो अभी जो शिविर आप करते हैं वो किस हैसियत से हैं? आप इंडिविजुअल हैसियत से करते हैं या इनमें से किसी के सहयोग से आपका चलता है? एक्चुअली मैं स्वयं ओशो से ही जुड़ा हुआ हूँ और ओशो ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं कि उनके मल्टी डायमेंशंस हैं, तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग डायमेंशंस अपील करता है और वो अलग अलग डायमेंशन से प्रेरित होकर अपना एक संघ बनाता है, अपना एक ग्रुप बनाता है। तो मेरा कोई भी विरोध न पुना कम्यून से है, न ओशो धारा से है, किसी से भी नहीं है, लेकिन मेरा जो झुकाव है, मेरा जो लाइकिंग है, वो ओशो वर्ल्ड से है, ओशो धाम दिल्ली से। लेकिन हर एक व्यक्ति अनूठा है और किसके लिए कौन सा दरवाज़ा कहाँ खुलेगा ये मैं निर्णायक नहीं हूँ। आई एम नॉट द जज। ओशो कहते हैं कि तुम जज मत बनो, तो मैं जज नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि जिसकी यात्रा जिस द्वार से होनी है, नियति उसको उसी द्वार से आगे ले जाए, मेरी उसके लिए शुभकामना। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ओशो धारा से जुड़ के जाना चाहता है या पुना कम्यून के द्वारा जुड़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरी शुभकामनाएँ उसके साथ हैं और मेरी यथासंभव सहयोग भी उसके साथ रहता है। अच्छा, ओशो के जाने के बाद, ओशो के ब्रह्म विलीन होने के बाद में शुरुआत हो गई, जैसे कि हमेशा होती है, कोई भी गुरु जब चला जाता है तो फिर ये दावा हर आदमी करता है और लोग भी पूछते हैं कि भाई उनकी असली वारिस कौन। तो जैसा कि पूना आश्रम है, वो तो स्वाभाविक रूप से वारिस माने गए क्योंकि वो पूना उनकी ही देन थी, और इंडियन हो या फॉरेनर हो, दोनों को बराबर ओशो का प्रेम मिला। तो एक तो धारा हो गई पूना की, लेकिन कुछ लोग वहाँ से स्ट्रक के दिल्ली चले गए, उन्होंने अपना आश्रम खोल लिया जैसे कि स्वामी चेतन कीर्ति। दूसरे धारा चले गई ओशो धारा, जो ओशो त्रिविर के नाम से आज जाने जाते हैं, जिसमें स्वामी सिद्धार्थ जी हैं, ओशो सिद्धार्थ जी, ओशो शैलेंद्र जी जो ओशो के खुद छोटे भाई हैं, और माँ ओशो प्रिया जी, और एक चले गए माँ नीलम जी जिन्होंने उधर खोल लिया, फिर एक नेपाल में अरुण जी हैं। तो सब लोग अपना अपना प्रचार अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ओशो का ही कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी देखा गया कि उनमें इन सब में आपस में इंटर एक जो होना चाहिए अंतरात्मा, क्या बोलते हैं उसको, अंतर जुड़ाव, जुड़ाव, वो उसका थोड़ा अभाव नज़र आता है, जो कि ओशो की देशना के खिलाफ है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो जुड़ाव होना चाहिए, अंतर जुड़ाव, इंटर कनेक्शन, उसकी कमी है और उसकी वजह भी है, क्योंकि ओशो एक मर्क्यूरी की तरह है, पारे की तरह है, वो मुट्ठी में बंद नहीं हो सकते। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इज़ ए मल्टी डायमेंशनल अवतार, एक ऐसा मसीहा है जिन्होंने हर एक आयाम को स्पर्श किया है। ओशो में आपको लाओस से भी पुनर्जीवित होते हुए मिलेगा, कबीर भी पुनर्जीवित होते हुए मिलेगा, अष्टावक्र भी पुनर्जीवित होते हुए मिलेंगे और पतंजलि भी पुनर्जीवित होते हुए मिलेंगे। तो स्वयं ओशो में ही सभी विरोधाभास का समन्वय है और सभी विरोधाभास ओशो में समा जाते हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति अगर भक्त है तो वो ओशो के मीरा के प्रवचन से प्रभावित और प्रेरित हो जाएगा, एक व्यक्ति अगर योगी है तो वो पतंजलि से प्रभावित हो जाएगा, एक व्यक्ति अगर नॉन डूइंग में भरोसा करता है तो वो लाओसे से प्रभावित हो जाएगा, एक व्यक्ति को विधियों में बहुत भरोसा है तो वो गोरखनाथ से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन ओशो एक दर्पण की तरह, ओशो को न कुछ लेना देना पतंजलि से है, न कबीर से है, न लाओसे,
उनको लेना देना आपसे है। इसलिए ओशो कहते हैं कि मैं तो केमिस्ट की दुकान हूँ, मेरे पास एलोपैथी भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, तुम ये जानो कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है। तो ओशो के पास सभी नाव अवेलेबल हैं, लेकिन एक ही नाव पे यात्रा हो सकती है। इसलिए आप ओशो को उस तरह से सुने, ओशो को समग्रता से, लेकिन समग्रता से ओशो पे चलने का प्रयास न करें। उसमें से आप अपनी टाइप समझ लें कि मेरी टाइप कौन सी है। तो तीन टाइप है मेन, एक तो कर्म की यात्रा है, एक भक्ति की यात्रा है और एक ज्ञान की यात्रा है। तो जो कर्मयोगी है, जो वर्कोहॉलिक है, जो बिना वर्क के नहीं रह सकता, वो विधियों के द्वारा और कर्म के द्वारा पहुँचेगा। जो हृदय से आंदोलित होता है, जिसको नृत्य सहज है, जिसको आंसू सहज है, जिसको गुरु सेवा सहज है, उसके लिए भक्ति मार्ग है। और जिसकी खोपड़ी बहुत चलती है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो लॉजिक में भरोसा करता है, तो उसके लिए ज्ञान मार्ग है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना एनालाइज करके देखें कि मैं किस टाइप का बना हुआ हूँ, फिर उसको ओशो ने उस पर जो बातें की है उसको स्वीकारना। वो सुने सबकी लेकिन गुने अपने। अगर वो ओशो कहते हैं मैं केमिस्ट की दुकान हूँ, मेरे पास सभी दवाइयाँ हैं, लेकिन सभी दवाइयों से कुछ ना कुछ रोग का इलाज होता है, लेकिन आपको सभी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसलिए ओशो बहुत प्यारी बात कहते हैं कि समझदार वही है जो जहर को भी औषधि बना लेता है, और नासमझ वही है जो औषधि को भी जहर बना लेता है। तो ओशो के संदेश को भी हम जहर बना सकते हैं अगर हमारा विवेक सोया हुआ है। तो विवेक की जागृति पूर्व शरत है ओशो को समझने के लिए, नहीं तो फिर ओशो के देशना से और उनके संदेश को ही आड़ में आप अपने जीवन को व्यर्थ कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, एक खतरा है। और इसलिए ओशो बार बार कहते हैं बीवेयर ऑफ मी, मेरे से सावधान। और इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं इफ यू मीट ए बुद्धा ऑन द वे किल हिम इमीजिएटली, अगर तुम्हारे मार्ग पे अगर बुद्ध भी आ जाते हैं तो उसकी हत्या कर दो। इसका अर्थ यह है कि गुरु भी अंतिम रूप में बंधन बन जाता है। गुरु सबसे छुड़ाता है मोह माया से, काम क्रोध से, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है कि गुरु स्वयं बंधन हो जाता है। तो ओशो की करुणा इतनी व्यापक है कि वो हमें अपने से भी मुक्त कर देते हैं। वो कहते हैं मुझसे भी बंधना मत, और इसलिए उन्होंने उसकी भी विधियाँ दी हैं ताकि हम उनसे बंध न जाएं।